हमारे मेहमान आए हैं उनको पुष्प गुच्छ आपको देने हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप ही साक्षी आप लेकर आइए। ओपन बाय सेंटर में करना, ओपन बाय सेंटर में करना। सर जी प्लीज कम हियर। मैं तो जानना नहीं चाहता, इसमें कोई शक नहीं है। पहले मैं लेडीज फर्स्ट से करूंगा कि शुमा जी आप आइए, क्योंकि ये लेडीज का अधिकार बनता है सबसे पहले। यहाँ आइए शुमा जी। सर थोड़ा वन स्टेप आगे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ आइए थैंक यू शुमा जी। अब मैं संगीता जी से कहूँगा कि संगीता जी आप आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संध्या जी, आपसे कहूँगा कि आप आइए। थैंक यू संध्या जी। अब मैं गणेश जी से कहूँगा कि गणेश जी आप आइए। हालांकि आपका रोल क्या है ना कि आप दूल्हे भी हैं और बाराती भी हैं, दूल्हा और बाराती का डबल रोल है आपका। थैंक यू गणेश जी। अब मैं शुरुआत करूँगा तिवारी साहब से। तिवारी साहब जी हाँ, he is ever like me actually। अच्छा भाई क्या रोक्सी साहब, थैंक यू। तकरीबन 8 सालों से है ना हर कदम पे खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आने वाले समय हमेशा खड़े रहें। कोशिश करती है कि कहते रहते हैं कि जो भी अगर ये हो मैं आगे रहूंगा। आपके प्रेसिडेंसी से इस साल काफी सारे काम करने हैं, इसका ये भी एक ही बात। थैंक यू, थैंक यू माधव। आई शेर सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग एक्चुअली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हमारे एग्जाम डायनामिक जो हैं, जो बोलते भी हैं और काम करते भी हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि पूरे को गुलदस्ता एक ग्रेजुएट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, ना तो फूलों की आपको ज़रूरत है ना मुझे ज़रूरत है। अच्छा नहीं, ये हो जाएगा कि डॉक्टर साहब को मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब मुझे दे रहे हैं। नहीं तो मैं गणेश जी से कहूँगा कि वो आए और डॉक्टर साहब को बोल दें। अभी डॉक्टर साहब आप मुझे बोल दे सकते हैं जाए तो। सो फ्रेंड्स मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब के लिए भी कहूँगा और ये बहुत सारे लोगों पे लागू होते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो ये जो कारवां है, ये जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने कहा कि 3 साल पहले जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ था कि हाँ, जिस तरह से फंक्शन होता है उस तरह का फंक्शन होगा। चले गए हम अपने घर से तैयार तैयार होकर, सूट वूट पहन के साथ फंक्शन में पहुंच गए हैं,
फंक्शन हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक मकसद है। फंक्शन और मकसद में बहुत फर्क होता है, और जब इंसान किसी मकसद के लिए काम करता है तो वो मकसद पूरा करके ही छोड़ता है, और परमात्मा भगवान गॉड ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक अच्छा काम किया, साहब मान लीजिए अगर मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो इन्होंने लक्ष्य को नहीं बदला बल्कि अपने प्रयत्नों को बदला है। लक्ष्य पाने के लिए आप अपने प्रयत्न कायम रखिए, अपनी कोशिश जारी रखिए, अपने लक्ष्य को नहीं बदले लेकिन कोशिशों को बदलने का प्रयास कीजिए।